हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टारगेट पुलिस एग्जाम के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए हम संविधान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने राष्ट्रपति का टॉपिक, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तीन टॉपिक हमने देख लिए हैं। अभी जो हमारा एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शॉर्ट में है, छोटा सा है, भारत के महान्यायवादी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। महान्यायवादी होता है, महान्याभिकर्ता होता है, एक महाधिवक्ता होता है जिसे एडवोकेट जनरल बोलते हैं, उसके बाद देता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी कि कैग आता है, ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिषद। अभी इस वीडियो में हम भारत के महान्यायवादी के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो महान्याभिकर्ता महाधिवक्ता देख लेंगे, उसके बाद हम कैग के बारे में देख लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जो संविधान की क्लासेस चल रही है, आपका सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि यूपीएसआई के लिए, आपका यूपीपी में भी आएगा, दिल्ली पुलिस में भी आएगा, हरियाणा पुलिस में भी आएगा, चाहे बिहार एसआई, किसी भी स्टेट के एग्जाम हो उसमें पूछे जाने वाला संविधान, जहां पे पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी, जहां पे पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो उससे पहले मैं, जैसा मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, अगर जो है यूपीपी या यूपीएसआई, हरियाणा पुलिस या दिल्ली पुलिस, किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी करना हो पुलिस से रिलेटेड, या फिर कुछ भी स्टेट यूपी डब्ल्यूएससी का भी तैयारी करना हो, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपके जो भी पुलिस को, स्पेशली पुलिस एग्जाम को टारगेट करके तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो लोग सब्सक्राइब किए वो घंटी का आइकॉन भी दबा लें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो महान्यायवादी शुरू करने से पहले हमने विकिपीडिया से कुछ चीज़ें हैं जो स्क्रीनशॉट लिए हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम में जो हमारा नोट्स है संविधान का उसको आते हैं, ठीक है। तो महान्यायवादी की बात करें तो महान्यायवादी विकिपीडिया के हिसाब से देखें तो भारत का जो महान्यायवादी होता है, इसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय के सरकार में प्रमुख वकील होता है कौन, महान्यायवादी। भारत का भी हम डिस्कस करेंगे, अभी इसको देख लेते हैं। अब आइए, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल या भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन है, तो एम सी सेल्वर्ट, याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट टर्म, ये देखिए सबसे ज़्यादा समय तक रहे थे एम सी सेल्वर्ट, ये याद रखिएगा, पहले महान्यायवादी भारत के हुए थे। और करंट में कौन है, के वेणुगोपाल, ठीक है, के वेणुगोपाल करंट में भारत के महान्यायवादी हैं, ये मत कहिएगा कि करंट वाले नहीं बताएं, ठीक है। तो ये तो हो गया विकिपीडिया के हिसाब से पहले और लास्ट मैंने बता दिया। के वेणुगोपाल राव से पहले कौन थे, मुकुल रोहतगी, ठीक है, मुकुल रोहतगी। यहाँ पे तीन क्वेश्चन बनते हैं, पहले कौन थे, एम सी सेल्वर्ट, ठीक है, और सबसे लंबे समय तक यही हो गया पहले वाले, और उसके बाद करंट में कौन है, ये के वेणुगोपाल, जो 30 जून 2017 से अभी तक हैं। आइए चलते हैं अपने नोट्स पर, वहाँ से समझते हैं। तो महान्यायवादी पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो जान लेते हैं। सबसे पहले महान्यायवादी का जो पोस्ट है, जो पद है, वो भारत के संविधान के भाग 5 में देखने को मिलता है। आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल ध्यान रखिएगा, हमेशा 76 के अनुसार कहा गया है, 76 में भारत के संविधान की यह व्यवस्था है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। करंट में कौन है, के वेणुगोपाल, ठीक है, चलिए आइए सुनते हैं। अब यहाँ पे शुरू करते हैं हम, मान लीजिए, जैसा कि मैंने प्रधानमंत्री वाले टॉपिक में बताया था कि मान लीजिए मुझको प्रधानमंत्री बनाया गया, तो मुझे राज्यसभा या लोकसभा में कहीं एक का सदस्य होना रहेगा 6 महीने के अंदर, ठीक है। तो अब मैं, मुझे प्रधानमंत्री अचानक से बना दिया गया, तो मुझे तो इतनी नॉलेज होगी नहीं कि कहाँ पे क्या चीज़ें कैसे करनी होती है, कहाँ पे कौन सा चीज़ होता है, ठीक है, तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन होगी नहीं। तो मुझे बताने के लिए किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो कानून के बारे में अच्छे से जानता हो, जो भारतीय संविधान के बारे में अच्छे से जानता हो, ये सही बात है कि नहीं, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है, कौन होता है, भारत की राष्ट्रपति नियुक्त करता है किसकी, महान्यायवादी की, ठीक है। तो फिर से एक बार हम देखते हैं, आर्टिकल 76 में यह व्यवस्था है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा और यह भारत का सर्वोच्च तथा पहला विधि अधिकारी या फिर कानूनी अधिकारी होगा, ठीक है, विधि अधिकारी या फिर कह सकते हैं कानूनी अधिकारी होगा, भारत का सर्वोच्च। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, ये भी क्लियर हो गया, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था, विकिपीडिया के अनुसार भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है महान्यायवादी, किसका, भारत सरकार, भारत सरकार मतलब प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है,
ठीक है, देखो कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर दिया करो, मैं उसका रिप्लाई दे दिया करूँगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं आगे, कुछ टॉपिक है जो उसे जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अभी मान्यवादी का पद आप में क्लियर हो गया होगा। नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मान्यवादी के पोस्ट की टाइमिंग है कि 6 साल तक रह सकता है, 5 साल रह सकता है, 4 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, ऐसा कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन संविधान में किया गया। ये कहा गया है 76 के अनुसार आर्टिकल कि मान्यवादी का पद होगा, ठीक है, जो राष्ट्रपति जिसकी नियुक्ति करेगा, जो प्रधानमंत्री का विधि या फिर कानूनी सलाहकार होगा। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कहा गया कि इसका कार्यकाल इतना होगा। तो ये कह सकते हैं कि ये भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक मान्यवादी भारत का रहेगा। ठीक है, केड़ू के वड़ू गोपाल है इस टाइम, तो जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक रहे, यानी कि अगर जो राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री को खुश किए, मतलब प्रधानमंत्री सरकार खुश है उनसे, तब तक वो कार्यकाल में है। जब सरकार नाराज होती है तो वो उनका कार्यकाल भी छीन लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो आइए चलते हैं, कुछ और चीज़ें हैं। अब योग्यता भी जानना जरूरी है कि ऐसे थोड़ी किसी को मान्यवादी बना दिया जाएगा, ठीक है, अटॉर्नी जनरल बना दिया जाएगा। तो इसके लिए देखिए, भारत मान्यवादी पर नियुक्त होने के लिए भारत के व्यक्ति, जो व्यक्ति होना चाहिए वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश की योग्यता रखता हो। मतलब जो मान्यवादी होगा, जिसको राष्ट्रपति मान्यवादी नियुक्त करेगा, उसके पास कुछ ना कुछ योग्यता होनी चाहिए। क्या योग्यता होनी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय बनने की, न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होती है, तो इसको भी आइए क्लियर कर लेते हैं। इसमें अगर जो आपको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना हो तो उसके लिए 5 वर्ष क्या होता है हाई कोर्ट में जज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, 5 वर्ष हाई कोर्ट में आपको जज रहना पड़ता है, या तो आपको क्या होना पड़ता है, 10 वर्ष हाई कोर्ट में वकील रहना होगा। ये आपकी योग्यता होनी चाहिए, ये आपके पास एक्सपीरियंस है, तब आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। ठीक है, योग्यता हो जाती है आपकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की। तो ये योग्यता अगर जो आप कंप्लीट करते हैं तो आपको मान्यवादी के पद पर राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। ठीक है, अब मान्यवादी के वेतन तथा भत्ते की बात करें तो इसमें कुछ ऐसा नहीं दिया गया संविधान में कि इतना वेतन होना चाहिए, जैसे राष्ट्रपति का दिया गया 5 लाख होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं कहा गया है। तो भारत के मान्यवादी का जो वेतन और भत्ता होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मान्यवादी के पद से हटाने के लिए भी भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता दी है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, मान्यवादी भारत के संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है कि इसको पद से हटाने का, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो पद पर बैठा रहेगा। मान्यवादी की बात करें, भारत का मान्यवादी कभी भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, ऐसा कहा गया है, और यह राष्ट्रपति के समक्ष अपनी शपथ प्रक्रिया भी पूरी करता है। तो मान्यवादी शपथ किसके सामने लेता है, ये राष्ट्रपति के सामने लेता है। तो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसको मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। अब आइए, मान्यवादी भारत सरकार की तरफ से प्रत्येक मामले में जहाँ भी सरकार एक पक्ष में होगी वहाँ उपस्थित होगा, तथा सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में भी उपस्थित हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, अगर जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, प्रथम विधि अधिकारी होता है, तो सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय में भी उपस्थित हो सकता है। क्या बोला मैंने यहाँ पे, मान्यवादी जो होता है वो भारत सरकार की तरफ से प्रत्येक मामले में भी जहाँ भी सरकार एक पक्ष में होगी वहाँ उपस्थित होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मान्यवादी भारत सरकार की कानूनी सलाहकार होता है, तथा वह सरकार को ऐसे कानूनों या कानूनी संवैधानिक विषयों पर मंत्रणा देता है जहां पर उसे समय समय पर सरकार को सौंपा जाता है। कोई भी कानूनी चीज़ें हो, ठीक है, सरकार को अगर जो है सौंपा जाता है तो उसके बारे में भारत सरकार को बताता है कि यह चीज़ ऐसे होगा। ठीक है, कानूनी सलाहकार होता है या मंत्रणा देता है कौन सी चीज़ों को किस प्रकार से करना चाहिए। नेक्स्ट देखें, यह भारत क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में भाग ले, भारत क्षेत्र मतलब भारत में कहीं भी, पूरे देश में कहीं भी किसी न्यायालय में भाग ले सकता है, लेकिन वह भारत सरकार के विरुद्ध ना तो परामर्श दे सकता है, ना ही भारत सरकार के विरुद्ध मुकदमे में सुनवाई कर सकता है। ये चीज़ कहा गया है भारतीय संविधान में। कहाँ पे मैंने क्या बोला, भारत में कहीं भी न्यायालय में किसी भी सुनवाई में भाग ले सकता है, लेकिन भारत सरकार के तरफ या भारत सरकार के खिलाफ कहीं भी कुछ विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता, ये भी कहा गया है। अब आइए नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यह संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है। मतलब संसद के दो सदन कौन कौन, आपका उच्च सदन और लो, मतलब एक तो लोकसभा होता है,
जिसे उच्च सदन बोलते हैं, एक राज्यसभा होता है, सॉरी लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा है। तो इसमें दोनों सदनों में भाग ले सकता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जब लोकसभा या राज्यसभा में वोटिंग होती है तो दोनों में बराबर बराबर चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ये जो हमारा जो महाधिवक्ता होता है, ठीक है, फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लीजिए राज्यसभा की बात करें, दोनों सदनों में भाग ले सकता है, ये तो क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए हम राज्यसभा में कोई कानून पास कर रहे हैं, एक तरफ पक्ष है एक तरफ विपक्ष है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर जो वोटिंग हो रही है तो उसमें कौन मान्यवादी जो वो भी वोट कर सकता है, क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। लेकिन अगर जो मान लीजिए इधर भी 10 वोट पड़े इधर भी 10 वोट पड़े, दोनों वोट बराबर है पड़ रहे हैं, लेकिन मान्यवादी जो है उसने वोट नहीं किया अभी तक, तो वो निर्णायक मत नहीं कर सकता। इसको ध्यान रखिएगा कि अगर जो इसको एक वोट दे देगा तो ये जीत जाएगा, ये वाला कानून पास हो जाएगा, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, वो निर्णायक मत कभी नहीं कर सकता। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, यह संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, वह विचार विमर्श भी कर सकता है, लेकिन उसे सदन में मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये पूरा टॉपिक था आपका मान्यवादी का, ठीक है। तो जितने भी हैं इसको एक तरफ से लिख लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा। अगर जो आपको ये वाला PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से PDF ले लीजिएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा महान्या भी करता है, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। महाधिवक्ता ये भी अगले वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा ये वाला इंपॉर्टेंट होगा, ये वाला भी, ठीक है। ये एक वीडियो में दो आएगा, आपका महान्यावादी और आपका, ये तो हो गया मान्यवादी, एक वीडियो में मान्या भी करता और महाधिवक्ता दोनों मिलेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा वीडियो जो हमारा ये कैक का होगा, भारत के निरंतरता एवं महालेखा परिषद। तो आशा आपको यहाँ पे जो चीज़ें मैंने बताई महान्या भी करता के बारे में ये क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको अगले ही वीडियो में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये वाला टॉपिक और ये वाला दोनों अगले ही वीडियो में कंप्लीट करते हैं, और क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है एक ही वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। और देखिए कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, बहुत सिंपल संविधान कुछ नहीं है। ये मान्यवादी का टॉपिक हो गया है, अभी इसका नोट्स बनाना हो बना लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।